हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि आप फेक आईलेसेस कैसे अप्लाई करें, इसे कैसे अप्लाई करना है परफेक्ट तरीके से ताकि आपकी जो लेसेस हैं वो नेचुरल दिखे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ सबसे पहले अपनी लेसेस को कर्ल करूंगी। तो मैं ले रही हूँ आई लैशेस कर्लर और इसकी हेल्प से मैं अपनी लैशेस को कर्ल करूंगी। और उसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी। तो यहाँ मैं ले रही हूँ ADS का मस्कारा और इसे अपनी लैशेस पे अप्लाई करूंगी। उसके बाद मैं आईलाइनर लगाऊंगी। मैंने अपना आई मेकअप कर लिया है। आप जो भी आपको मेकअप करना है आईज पे, आप वो कर ले पहले ही। तो मैंने यहाँ आई शेडो अप्लाई कर लिया है और उसके बाद मैं अब आईलाइनर अप्लाई करूंगी। यहाँ मैं कोई विंग लाइनर ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, मैं इसे अपनी आईज पे अप्लाई कर लूंगी और इसी तरह मैं अपनी दूसरी आई पे भी अप्लाई करूंगी। और उसके बाद मैं ले रही हूँ मैक की आई लेसेस और ये है आई लेसेस ब्लू। जरूरी नहीं है कि जो मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ आप वही यूज करें, आप जो लेना चाहें वो ले सकते हैं। और अब मैं इसमें से निकालूंगी आई लेसेस और इसको मैं थोड़ा सा पुल करूंगी इस तरह से। और इसमें थोड़ा सा कोना निकला रहता है उसको कट कर दूंगी। और उसके बाद मैं दोनों तरफ से कट कर दूंगी। उसके बाद मैं अपनी आईज के ऊपर रख के मेजर करूंगी कि ये मेरी आईज पे परफेक्ट है या नहीं। तो इस तरह से मैं सेंटर पे रखूंगी और देखूंगी तो ये मेरी आईज पे थोड़ा सा लंबी है तो मैं इसे साइड से कट कर लूंगी। और इसी तरह से मैं दूसरी लेश भी जो है उसको कट कर लूंगी। उसके बाद मैं ग्लू को एक जो आई लैशेस का कवर था उस पे थोड़ा सा प्रोडक्ट मैं निकालूंगी और एक आईलाइनर ब्रश की हेल्प से मैं इस पे अप्लाई करूंगी ग्लू। और अगर हम ट्यूब से डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो वो थोड़ा एक्स्ट्रा कहीं ज़्यादा लग जाता है, कहीं कम रह जाता है, तो इसलिए मैं ब्रश की हेल्प से इस पे ग्लू लगाऊंगी। याद रखें आपको इसे अंदर की तरफ से ग्लू लगाना है, बाहर की तरफ से ग्लू नहीं लगाना है। और इसमें मैं ग्लू लगा लूंगी और 30 सेकेंड के लिए इसको थोड़ा स्टिक होने के लिए रख दूंगी। उससे क्या है कि मैं जब फॉल्स आई लेसेस अप्लाई करूंगी तो वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। तो मैं वेट करूंगी 30 सेकेंड का। और उसके बाद मैं इसे अपनी आईज के सेंटर से स्टार्ट करूंगी। तो मैं यहाँ सेंटर पे रखूंगी और थोड़ी देर वेट करूंगी। उसके बाद मैं आउटर पे और इनर पे सेट करूंगी। आप चाहे तो अपने हाथ से ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन प्लकर की हेल्प से थोड़ा इजीली अप्लाई हो जाती है। और मैं इसे इस तरह से प्रेस करूंगी ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो आप देख सकते हो कि ये अच्छे से अप्लाई हो चुकी है। और इसी तरह मैं अपनी दूसरी लेसेस पे भी ग्लू अप्लाई करूंगी सेम ब्रश की हेल्प से और सेम 30 सेकेंड के लिए वेट करूंगी ताकि ग्लू जो है वो थोड़ा थिक हो जाए, स्टिक हो जाए और जब मैं अप्लाई करूं तो ये अच्छे से सेट हो जाए।
और मैं अप्लाई करूंगी। आप चाहे तो यहाँ टाइमर भी लगा सकते हैं 30 सेकेंड का, कि आपको कितनी देर तक रेस्ट करना है इसको। और इस तरह से मैं इसे लगा लूंगी। जल्दी नहीं करना है, आसानी से धीरे धीरे इसको सेट करना है। और अगेन मैं इसे ऊपर से पुल कर लूंगी और इस तरह से मेरी दोनों आईलेसेस अच्छे से अप्लाई हो चुकी है, मैंने अच्छे से लगा लिया है। और अब मैं अपने नेचुरल लेसेस है जो उसमें मस्कारा कोट करूंगी, ताकि मेरी जो फॉल्स लेसेस है और नेचुरल लेसेस है वो दोनों मिक्सअप हो जाए और ब्लेंडेड दिखे सब कुछ। तो मैं इस तरह से मस्कारा लगा लूंगी। तो मेरी दोनों लेसेस लग चुकी हैं और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि इसे रिमूव कैसे करना है। गाइस, आपको इस तरह से फॉल्स लेसेस अप्लाई करनी है और ये आपके फेस को बहुत इनहेंस कर देती है। ये आपके फेस को आप बिल्कुल लुक चेंज कर देती है, आपकी आईज को थोड़ा बिग कर देती है। तो अब इसको देखते हैं कि रिमूव कैसे करना है। तो मैं आपको दो तरीके से बताऊंगी कि इसको कैसे रिमूव करना है। एक तो मैं बताऊंगी आपको रिमूवर की हेल्प से, और सेकेंड है कोकोनट ऑयल की हेल्प से। अगर आपके पास रिमूवर नहीं है तो आप कोकोनट ऑयल से भी रिमूव कर सकते हो। तो मैं क्यूपिक की हेल्प से रिमूव करूंगी। तो मैं एक क्यूपिक ले रही हूँ और इसको थोड़ा शेक करूंगी मैं। ये मेबलिन का मेकअप रिमूवर है, इसको मैं क्यूपिक में डिप कर लूंगी। और मैंने जो लेसेस अप्लाई की है उसके ऊपर ही मैं इसको रब करूंगी। और उसके बाद जो फॉल्स लेसेस है उसको मैं पकड़ के इस तरह से निकाल लूंगी। सेकेंड में आपको दिखाऊंगी कोकोनट ऑयल से। इसमें मैं जो क्यूटिप है इसको डिप करूंगी और जहां मैंने फॉल्स लेसेस अप्लाई किया है उसके ऊपर इसको रब करूंगी बिल्कुल लाइट हैंड से, हल्के हल्के हाथों से 2 से 3 बार। और उसके बाद मैं जो फॉल्स लेसेस है उसको एक तरफ से पकड़ूंगी और पुल करूंगी हल्का सा, तो ये इस तरह से रिमूव हो जाएगी। और रिमूव करने के बाद याद रखें जो इसमें ग्लू लगा हुआ है उसको आप तुरंत निकाल दें, ताकि आप यही सेम फॉल्स लेसेस दोबारा भी यूज कर सकें। तो इसे अच्छे से क्लीन करके रखें, और नहीं तो अगर आपने ऐसे ही रख दिया तो ये ग्लू है वो सेट हो जाएगा और निकलेगा नहीं। तो इस तरह से मैं इसमें निकाल के ग्लू, और जो पैकेजिंग से जिससे मैंने निकाला था उसी सेम पैकेजिंग में इसको रख दूंगी। तो गाइज, आपने देखा कि फॉल्स लेसेस कितनी इजीली अप्लाई कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। तो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।